कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम के लिए रामगढ़ के डीसी और एसपी ने कई दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों को घरों में ही रहने का ऐसा अनुरोध किया है। इसके साथ ही मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। बहुत जरूरी आपका काम है तभी निकले, अदरवाइज नहीं निकले। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं कल उनके साथ भी बैठक की गई है और उनसे भी अनुरोध किया गया है कि आप अपने यहाँ जो कोरोना वायरस से संक्रमण से संबंधित बचाव और रोकथाम करनी है वो रखें। जो मॉल, क्लब्स, लाउंज, कैफे, पार्लर, ये जिला स्तर से हम लोगों ने आदेश निकाल के उनको अभी 31 मार्च तक बंद रहने का निर्देश दिया गया। तो आप देख रहे हैं पूरे विश्व में एक पैंडेमिक जो जिससे हम लोग जूझ रहे हैं कोरोना वायरस को लेकर के, उसमें रामगढ़ पुलिस, रामगढ़ जिला प्रशासन के साथ पूरी तरीके से तैयार है। हम लोग भी दो तीन बैठक किए हैं, हमारी बैठक भी डीसी साहब के साथ हुई है, जिसमें हम लोग जो भी प्रिवेंटिव रूप से कर सकते हैं वो किए हैं। आप जान रहे हैं जैसे जहाँ बहुत ज़्यादा गैदरिंग होती है इस जिले के अंदर में, पतरातु लेक रिसोर्ट है, माता रजरप्पा का मंदिर है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है पब्लिक की एंट्री के लिए।